बिजनेस का अगला इससे आगे था हमारा व्यावसायिक वातावरण। इसी चैप्टर में ही व्यावसायिक वातावरण के आयाम, डाइमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। समष्टि वातावरण मतलब भारी वातावरण को हमने दो भागों में बांटा था, सूक्ष्म वातावरण और समष्टि वातावरण। सूक्ष्म वातावरण जिसका नज़दीक से संबंध होता है उसमें आ जाएंगे ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, जनता, विपणन, मध्यस्थ, ये हम कर चुके हैं। अब है समष्टि वातावरण या सामान्य वातावरण, तो इसको जिसका दूर से संबंध होता है तो व्यावसायिक वातावरण के उनको डाइमेंशन भी बोलते हैं। व्यावसायिक वातावरण के आयाम अथवा समष्टि वातावरण अथवा सामान्य वातावरण के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं: आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, राजनीतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण क्या है? आर्थिक वातावरण एक देश में विद्यमान आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियों और आर्थिक दशाओं से बनता है, ठीक है। एक देश में विद्यमान जो आर्थिक प्रणाली होती है, आर्थिक प्रणाली जिसके द्वारा आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, आर्थिक नीतियां और आर्थिक दशाएं। आर्थिक वातावरण के तीन घटक व्यवसाय को बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। ये व्यवसाय के लिए खतरे भी पैदा करते हैं और अवसर भी। अतः व्यवसायियों के लिए ज़रूरी है कि आर्थिक वातावरण की विभिन्न शक्तियों पर समय रहते नज़र रखें ताकि संभावित खतरों से बचा जा सके और अवसरों का लाभ उठाया जा सके। अब आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक, तो आर्थिक प्रणाली अभी ऊपर क्या पढ़ा था, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक दशाएँ। तो आर्थिक प्रणाली जैसे समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। तो समाजवादी में समाज ही सारी क्रियाओं को निर्धारित करता है, मतलब सरकार करती है। पूंजीवादी में पूंजीवादी लोग करते हैं और मिश्रित में जो अधिक महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है और बाकी पूंजीपति लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। सेकेंड, आर्थिक नीतियाँ जैसे आयात निर्यात नीति, कर नीति, औद्योगिक नीति आदि। तीसरा, आर्थिक दशाएँ जैसे राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर, ब्याज दर आदि। अब आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक वातावरण के व्यवसाय पर प्रभाव के मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं: जैसे बैंक ब्याज दर में भारी कमी से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और इसके विपरीत, इसके विपरीत का मतलब है ब्याज दर में वृद्धि से वस्तुओं की मांग में कमी होती है। बैंक ब्याज दर में भारी कमी से, इसका मतलब है कि अगर बैंक अपनी ब्याज दर में कमी कर देता है तो इससे क्या होगा, लोग बैंकों से लोन की मांग करेंगे, बैंकों से पैसा उधार लेंगे और पैसा उधार लेंगे तो उसको वो कहाँ पर खर्च करेंगे, वस्तुओं को खरीदने में, इसलिए वस्तुओं की मांग बढ़ती है। लोगों की आय में वृद्धि से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और इसके विपरीत, मतलब अगर लोगों की आय बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होगी और लोगों की आय कम होगी तो उनकी मांग में भी कमी होगी। उच्च मुद्रास्फीति दर से व्यवसाय की लागतों में वृद्धि होती है। उच्च मुद्रास्फीति होती है जिसमें कीमतें बढ़ती जाती हैं और इससे क्या होगा, लागतों में वृद्धि होगी, ठीक है। ये हो गया आर्थिक वातावरण। सेकेंड है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण अनेक सामाजिक शक्तियों जैसे परंपराएं, मूल्य, सामाजिक प्रवृत्तियां, फैशन, इच्छाएं, आकांक्षाएं, शिक्षा का स्तर आदि का समूह होता है, ठीक है। सामाजिक वातावरण में सामाजिक शक्तियां जैसे समाज की परंपराएं होती हैं, वैल्यूज होती हैं, सामाजिक प्रवृत्तियां होती, इच्छाएं होती हैं, फैशन होते हैं, शिक्षा का स्तर आदि का समूह होता है। ये सभी शक्तियाँ व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, अतः व्यवसाय सामाजिक वातावरण की इन शक्तियों को अनदेखा नहीं कर सकता। अब सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक, तो वही चीज़ है, फर्स्ट है परंपराएं। इसका अभिप्राय सामाजिक प्रथाओं से है जो लंबे समय से चली आ रही हैं, जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि। तो ये क्या हमारी सामाजिक परंपराएं हैं। मूल्य, इनका अभिप्राय उन नैतिक सिद्धांतों से हैं जो समाज में प्रचलित हैं, जैसे स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता आदि। सामाजिक प्रवृत्तियाँ, इसका अभिप्राय समाज में होने वाले सामान्य परिवर्तनों अथवा विकास से हैं, जैसे शहरी लोगों में स्वास्थ्य और फिटनेस की प्रवृत्ति। अब सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत में मनाए जाने वाले अनेक त्यौहार भी विभिन्न व्यवसाय के लिए अवसर प्रदान करते हैं। जैसे दिवाली का त्यौहार है तो उस समय जिन वस्तुओं की मांग की जाती है उसका व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छा प्रभाव पड़ता है, वस्तुओं की मांग बढ़ती है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मूल्य है जो बाजार में चयन की स्वतंत्रता पैदा करती है। सामाजिक न्याय एक मूल्य है जो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व पैदा करता है। और समानता एक मूल्य है जो इस बात पर जोर देती है कि एक उपक्रम में एक जैसा काम करने वाले स्त्री पुरुष दोनों को समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और आज शहरी इलाकों में स्वास्थ्य और फिटनेस की प्रवृत्ति ने जिम, मिनरल वाटर आदि की मांग में वृद्धि की है। ठीक है, तो ये सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक हैं। उसके बाद है तकनीकी वातावरण। तो तकनीकी वातावरण के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने और व्यवसाय को चलाने की नई विधियों के नव परिवर्तन या खोज को शामिल किया जाता है। ठीक है, तकनीकी वातावरण जैसा कि नाम के से स्पष्ट है, तकनीक काम करने की विधियां। तकनीकी परिवर्तन ग्राहकों को कुछ नया और बेहतर प्रदान करते हैं। ये कुछ व्यवसायों के लिए खतरा पैदा करते हैं और कुछ को लाभ के अवसर प्रदान करते हैं। व्यवसाय को उसके व्यवसाय से संबंधित तकनीकी परिवर्तनों पर नज़दीकी निगाह रखनी चाहिए। वह व्यवसाय जो इन परिवर्तनों को समय रहते वाप लेता है, वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहता है, अन्यथा व्यवसाय के अस्तित्व को खतरा पैदा होना स्वाभाविक है। तकनीकी वातावरण के मुख्य घटक वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने की नई विधियों की खोज है, व्यवसाय को चलाने की नई विधियों की खोज है। फिर तकनीकी वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, नई नई तकनीक आने से जो पुरानी तकनीक है वो समाप्त हो जाती हैं और उनके अवसर खत्म हो जाते हैं। तो बाज़ार में टेलीविज़न आने से सिनेमा और रेडियो उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। बाज़ार में फोटोस्टेट मशीनें आने से कार्बन पेपर व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। बाज़ार में बनावटी धागे से बने वस्त्र आने से सूती वस्त्र उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। डिजिटल घड़ियों ने परंपरागत घड़ियों के व्यवसाय को लगभग समाप्त कर दिया। ठीक है, ये हो गए तकनीकी वातावरण। तकनीक में परिवर्तन आने से वस्तुओं की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत राजनीतिक दशाओं जैसे देश में सामान्य स्थायित्व और शांति और सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। इसका व्यवसायिक समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका व्यवसाय पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, अतः व्यवसायियों को इसे लगातार और ध्यानपूर्वक देखते रहने की जरूरत है। राजनीतिक वातावरण के मुख्य घटक देश में राजनीतिक स्थायित्व। राजनीतिक स्थायित्व का मतलब सरकार जो है वो स्थिर है। ठीक है, देश में शांति, सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, सरकार का प्रकार जैसे एक दलीय या बहुदलीय सरकार, जैसे एक दो बहुमत से एक ही दल की सरकार हो या फिर दो या दो से अधिक दल मिला करके सरकार बनाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराएं। तो राजनीतिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1977 में राजनीतिक जनता पार्टी की सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जो MNC कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, इनके विरुद्ध सख्त रवैया अपनाया, जिसने IBM और कोका कोला को भारत छोड़ना पड़ा। नई सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में विनियोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े स्तर पर भारत में प्रवेश के दरवाजे खुल गए, जिसे कोका कोला ने भारतीय बाजार में फिर से प्रवेश किया। राजनीतिक रुचि के कारण ही हैदराबाद को साइबराबाद अर्थात सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र माना जाने लगा, जिससे अनेक IT कंपनियां स्थापित हुई। और लास्ट है वैधानिक वातावरण। वैधानिक वातावरण के अंतर्गत सरकार द्वारा पारित अधिनियम, न्यायालयों के फैसले और देश में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर नियुक्त आयोगों और एजेंसियों के निर्णयों को शामिल किया जाता है। इस व्यवस्था की आवश्यकता विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं जैसे क्रय विक्रय, औद्योगिक झगड़ों आदि को नियंत्रित और संचालित करने के लिए होती है। व्यावसायिक समुदाय वैधानिक ढांचे को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवसाय के सभी व्यवहारों पर इसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, अतः व्यवसायियों को इस पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। वैधानिक वातावरण के मुख्य घटक सरकार द्वारा पारित अधिनियम, न्यायालयों के फैसले और विभिन्न आयोगों और एजेंसियों के निर्णय। तो वैधानिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट है पूंजी बाजार में नियंत्रण को हटाने से प्राथमिक बाजार में अनेक नए निर्गमन के माध्यम से बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित हुई। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी विनिमय पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में बड़ी मात्रा में प्रवेश हुआ, जिससे विदेशी विनिमय भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। अब भारत में आर्थिक वातावरण। तो आर्थिक वातावरण हम पढ़ चुके हैं। आर्थिक वातावरण में क्या आता है? आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक दशाएँ। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आर्थिक वातावरण व्यवसायिक वातावरण का एक मुख्य अंग है और इसके निम्नलिखित तीन मुख्य घटक होते हैं।
आर्थिक वातावरण, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक दशाएँ। भारत में आर्थिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली आर्थिक वातावरण का एक मुख्य घटक है। आर्थिक प्रणाली तीन प्रकार की होती है, समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। अब है मिश्रित आर्थिक प्रणाली की विशेषताएं। व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्र जैसे सार्वजनिक, निजी और मिश्रित। सार्वजनिक हित पर अधिक ध्यान, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, केंद्रीय नियोजन मतलब सरकार द्वारा केंद्रीय नियोजन किया जाता है, रोजगार के चयन में स्वतंत्रता। भारत में आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक क्रियाओं के संचालन हेतु भारत में निम्नलिखित मुख्य आर्थिक नीतियाँ बनाई गई हैं। देश की आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए आयात निर्यात नीति, देश के लोगों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार नीति बनाई गई है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का ढांचा तैयार करने के लिए कर नीति बनाई गई है, देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति, सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक व्यय नीति, सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक ऋण नीति, कृषि का विकास करने के लिए कृषि नीति। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में आर्थिक नीतियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद है भारत में आर्थिक दशाएं। भारत की मुख्य आर्थिक दशाएं और उनकी व्याख्या इस प्रकार है। विदेशी पूंजी, विदेशी पूंजी का अभिप्राय विदेशियों द्वारा भारत में किए जाने वाले विनियोग से है। भारत में विदेशी पूंजी लगभग तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत में आर्थिक वातावरण के लिए एक अच्छा संकेत है। विदेशी पूंजी मतलब जो दूसरे देशों की करेंसी है, तो भारत में ये लगातार बढ़ रही है, तो इसलिए ये वातावरण का, आर्थिक वातावरण का एक अच्छा संकेत है। प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति, भारत में प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयले खान, लोहे की खान, वन आदि प्रचुर मात्रा में और उनका पूरा लाभ उठाया जा रहा है। आर्थिक विकास का स्तर, भारत में आर्थिक विकास संतुलित दर से हो रहा है, ये दर लगभग 8.5% वार्षिक है। ब्याज की दर, कुछ समय पूर्व तक भारत में बैंकिंग प्रणाली की ब्याज दर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती थी, अब देश के बैंकों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वे स्वयं ही ब्याज की दर का निर्धारण करें। यही कारण है कि आज सभी बैंकों की ब्याज दर में अंतर है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय धीमी गति से बढ़ रही है। औद्योगिक विकास, भारत के औद्योगिक विकास में अस्थिरता है। पिछले एक दशक से देखा जा रहा है कि कभी इसमें वृद्धि होती है तो कभी कमी। विदेशी व्यापार, भारत के विदेशी व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है, परंतु निर्यात में वृद्धि आयात की अपेक्षा कम है। ठीक है, उससे आगे हैं आर्थिक सुधार 1991 से या नई आर्थिक नीति या भारतीय आर्थिक वातावरण का बदलता स्वरूप, ये नेक्स्ट में कराऊँ।